एक समय वो था जब भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ अमेरिका, ब्रिटेन समेत मैक्सिमम नाटो सदस्य देश खड़े थे। तब हमारा साथ रशिया दिया करता था, और आज ये समय आ गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत मैक्सिमम नाटो सदस्य देश आज भारत की तरफ है और पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि रशिया पाकिस्तान की साइड जाते जा रहा है। वैश्विक कूटनीति में कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता है, सब अपने अपने हित साधने में लगे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि रशिया भारत के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। हाल ही में रशिया ने ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान को डिस्कस करने के लिए ट्रायका प्लस मीटिंग बुलाने जा रहा है, जिसके लिए उसने अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना को आमंत्रित किया, जबकि भारत को पूरी तरह इग्नोर किया। ये खबर आते ही मीडिया में आग की तरह फैल गई और रशिया की फिर से आलोचना शुरू हो गई, जिसके साथ साथ अब एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि क्या अफगानिस्तान पीस नेगोशिएशंस में भारत को इंक्लूड किया भी जाए या फिर नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को इस मीटिंग से बाहर रखने के लिए रशिया पर चाइना और पाकिस्तान ने दबाव बनाया था। वहीं रशिया के कुछ डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट्स ये तर्क दे रहे हैं कि भारत दोनों पार्टी से बातचीत नहीं करता है, इसलिए रशिया भारत को मीटिंग में इन्वाइट नहीं कर रहा है। यानी भारत बस एक ही पार्टी अफगानिस्तान सरकार के साथ इन्वॉल्व है, जबकि हमारी तालिबानियों के साथ कोई भी बातचीत नहीं होती है, इसलिए भारत को मीटिंग से बाहर रखा जा रहा है। वैसे बहाना जो मर्जी हो, सच्चाई तो आज की डेट में यही है कि रशिया अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। फिर वो चाहे इसी साल मार्च और अप्रैल के महीने में बुलाई गई मीटिंग्स हो या फिर ये 11 तारीख वाली होने वाली मीटिंग, हर मीटिंग में रशिया ने भारत को एक बार भी इन्वाइट नहीं किया। साथ में रशिया की वो स्टेटमेंट हम कैसे भूल सकते हैं जिसमें उसने क्लियर शब्दों में कह दिया था कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर वो भारत की कोई भी मदद नहीं कर सकता है, भारत को अपना खुद ही देखना होगा, भारत को अपना रोल खुद ही डिसाइड करना होगा। जब दोस्ती ऐसा बोलेगा तो दुश्मन चाइना और पाकिस्तान से हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक देश ऐसा है जो उम्मीदें हम रशिया से लगा रहे थे, जो सपोर्ट हम रशिया से चाह रहे थे, वो सपोर्ट देने के लिए जो देश सामने आया है वो देश है ईरान। दरअसल ईरान से खबर निकल कर आ रही है कि नए ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान में भारत के सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के रोल का पूरी तरह स्वागत किया है। ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पिछले कल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब से मिले, जिस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को ईरान का पूरा समर्थन दिया। इब्राहिम रईसी ने बोला, भारत और ईरान दोनों मिलकर इस रीजन में सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कंस्ट्रक्टिव और यूजफुल रोल प्ले कर सकते हैं, खासकर अफगानिस्तान को लेकर ईरान भारत के वहां पर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के रोल का स्वागत करता है। साथ में इब्राहिम रईसी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान का फेट यानी अफगानिस्तान का भाग्य अफगान लोगों द्वारा खुद ही डिसाइड किया जाना चाहिए, और ईरान इस बात पर विश्वास करता है कि अगर अमेरिका सिचुएशन ना बिगाड़े तो इसका हल जल्दी निकल सकता है। वैसे उनकी स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्टेक्स्ट के बाहर थी, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी अफगानिस्तान छोड़कर बाहर निकलने जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर कहो इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के रोल का पूरी तरह समर्थन किया है, जो कि हम रशिया से उम्मीदें लगा रहे थे। वैसे जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब इब्राहिम रईसी का शपथ ग्रहण समारोह अटेंड करने के लिए ईरान गए हुए थे, जिस दौरान उन्होंने इब्राहिम रईसी के साथ भी एक मीटिंग की। वैसे जिस तरह ईरान अफगानिस्तान मुद्दे पर हमारा समर्थन कर रहा है, सेम यही उम्मीदें भारत को रशिया से थी, लेकिन रशिया ने भारत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। खैर, रशिया की दगाबाजी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।